थानेसर शहर के अंतर्गत महादेव मोहल्ला के घर में घुसकर अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार फरवरी माह में गुरशरण पुत्र नीरज निवासी महादेव मोहल्ला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 5-6 फरवरी की रात्रि उसके घर पर सन्नी शंटी सहित अन्य लड़कों ने हमला कर दिया। शंटी ने उससे 20 दिन पूर्व 50,000 रुपए मांगे थे। पहले भी कई बार रुपए लेता रहा, लिए गए रुपए वापस नहीं देता था, जिसके चलते उसने रुपए देने से मना कर दिया था। इन लोगों ने हथियारों से लैस होकर घर पर हमला कर दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस मामले में आरोपी शंटी ने हवाई फायर भी किए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में पहले आरोपी नितेश पुत्र मोहनलाल निवासी मोरथला को गिरफ्तार किया था। बाद में दूसरे आरोपी प्रवेश पुत्र पूर्णचंद निवासी गुरु नानकपुरा मोहल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया था। अन्य आरोपियों को गिरफ्त में लेने के लिए ASI प्रेमचंद सहित टीम सहित छापामारी कर रहे थे। गश्त के दौरान जानकारी मिलते ही पुलिस ने तीसरे आरोपी दीपक पुत्र राजेश निवासी मसीता हाउस को गिरफ्तार करने में कामयाबी ली है। बताया जाता है कि अवैध वसूली के मामले से पूर्व कई मामलों में एक आरोपी गिरफ्त में आया था, जिस पर हत्या के मामले व अपहरण का मामला भी दर्ज था, जिस पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। बीते वर्ष COVID-19 महामारी के प्रकोप के चलते अप्रैल 2020 में पैरोल पर भेजा गया था। जेल से बाहर आते ही अवैध वसूली की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था, जिसे पुनः पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। वहीं गिरफ्त में आए तीसरे आरोपी को भी अदालत में पेश किया गया, जिसे जेल भेज दिया गया। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।